तो अभी अभी रिसेंटली मेरा ब्रेकअप हुआ है एंड आई एम वेरी हैप्पी. मेरी लाइफ के कारण ये है कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है लेकिन मेरी बहुत सारी क्लोज फ्रेंड्स हैं. वो देना क्लोज फ्रेंड्स जिसके साथ अगर आप रात को 12 बजे घूम रहे हो तो उसके घर वालों को कोई दिक्कत नहीं होती. लाइक इतनी क्लोज फ्रेंड्स वो रैंडमली आपके पास आएंगे और बोलेंगे देख देख मैंने 2 हफ्ते से वैक्सीन नहीं करवाई है. तो मैं क्या करूँ यार, देख देख चोटी बन जाएगी, मुझे नहीं देखना. लाइक हम लड़के किसी लड़के के पास जाके नहीं बोलते हैं देख देख मैंने 2 हफ्ते से शैम्पू नहीं किया, देख डैंड्रफ फैलेगी लेगी ना. मेरी गर्लफ्रेंड जो थी उसके पास गेम थी मेरे साथ खेलने के लिए. लाइक पहली उसकी गेम थी क्वेश्चन आंसर राउंड. वो मेरे को ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में डाल देती थी जिसके आंसर उसे पहले से ही पता है. लाइक एक बार हम रेस्टोरेंट में बैठे थे, उसने पूछा सुनो अगर मैं मर गई तो क्या करोगे. अब खुद ही जवाब, ऑब्वियसली दूसरी पटा लोगे, तुम्हारे पास लड़कियों की कमी थोड़ी ना है. अब आप इससे उभर रहे होते हो. क्वेश्चन नंबर 2, मुझ में और मम्मी में से किसको चूज करोगे. ऑब्वियसली मम्मी को. मेरा क्या है, एक कोमल जाएंगी 100 कोमल आएंगी. मैं मुझे ये गेम ही नहीं खेलनी है, मुझे ऐसी गेम ही नहीं खेलनी जिसमें मुझे पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं है. और ये क्या है यार, मैं तेरे साथ डेट पे हूं, मेरे साथ सच का सामना क्यों खेल रही है. भला मम्मी को चूज करेगा, मेरे को चूज करेगा, बोल बोलना कुछ भी.